रेनबो स्टूडियो प्लस में आपका स्वागत है। मैं कुशल। व्हाट इज फोटोग्राफी? फोटोग्राफी क्या है? फोटोग्राफी का मतलब क्या सिर्फ इधर आइए, उधर जाइए, स्माइल कीजिए, ये सब? जी बिल्कुल नहीं। फोटोग्राफी तो वो होता है जो कि हमारा शादी हो या कुछ और, कोई भी इमोशंस को वैसे ही कैप्चर करके रखता है जिसको देखने से सालों बाद भी हमारा यादें ताज़ा हो जाए। अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हो और किसी शादी में गए हो फोटोग्राफी करने के लिए, तो अच्छे अच्छे पोज को ना देखते हुए आप जो कुछ भी हो रहा है उसे नेचुरली कैप्चर करो। तुम्हें हर वो इमोशंस को परफेक्टली कैप्चर करना होगा जिसे देखकर लगे तुम्हारे पिक्चरों में जान है। शादी के हर रस्म के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है, एक भाव होता है। हर रस्म के वक्त उनको कैमरे की तरफ नहीं, एक दूसरे की तरफ देखने को बोलो। एक दूसरे के लिए जो फीलिंग से उसको कैप्चर करो। एक दूसरे के कितने करीब है वो कैप्चर करो। एक दूसरे को देखते वक्त उनके आंखों में जो प्यार है उसको कैप्चर करो। मंगलसूत्र पहनाने के वक्त जिंदगी भर साथ निभाने का जो वादा है, उस वादे का जज्बातों को कैप्चर करो। लड़का और लड़की के दिमाग में कितनी सारी बातें चल रही है उसको कैप्चर करो। उस एहसास को कैप्चर करो। माँ बाप जब अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हैं, उस वक्त उनके चेहरे पे जो खुशी होती है उस खुशी को कैप्चर करो। ज़्यादा टेक्निक में मत घुसो। अच्छा कैमरा होगा तो अच्छी फोटो आ ही जाएगा, इसमें कोई करामत नहीं। लेकिन असली मज़ा तो तब है जब इमोशंस ना गायब हो जाए। इसे कहते हैं फोटो, और ऐसे ही बनता है फोटोग्राफर। और ऐसे ही नया नया वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, जैसे कि वेडिंग फोटोग्राफी, क्रोमा, वीडियो एडिटिंग, फोटोशूट के बारे में। तो आप ज़रूर हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए।